योगी कैबिनेट ने डाटा सेंटर नीति 2021 को दी मंजूरी, होमगार्डों को मिली सौगात। यूपी कैबिनेट ने मंगलवार को 14 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। बैठक में होमगार्डों को प्रशिक्षण अवधि में भत्ता देने का भी निर्णय लिया गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंगलवार को डाटा सेंटर नीति 2021 के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इससे बड़ी संख्या में रोजगार पैदा होंगे। बैठक में कुल 14 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में होमगार्ड को प्रशिक्षण अवधि 786 रुपए भत्ता देने पर भी निर्णय लिया गया। बैठक के फैसलों की जानकारी कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने दी। उन्होंने कहा कि रेलवे ओवरब्रिज और अंडरपास के लिए भारत सरकार के नेशनल हाईवे और रेलवे के साथ MOU किया जाएगा। 3000 रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज और अंडरब्रिज बनाए जाएंगे। इसमें राज्य सरकार का खर्च 10% होगा। जितेंद्र प्रसाद ने बताया यूपी को एयरक्राफ्ट सर्विस और ओवरहोल्डिंग का हब बनाया जाएगा। नोएडा में इसकी पहली यूनिट स्थापित होगी। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप के लिए 5 वर्ष के लिए वित्तीय सहायता की मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022-23 में 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की पौधशालाओं से निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है।